आज हम ऑपरेट कर रहे हैं एक पेशेंट, एक प्रोसीजर कर रहे हैं जिसके अंदर बोन मैरो एस्पिरेट करके उस साइट पे डालते हैं जहाँ पे फ्रैक्चर जुड़ता नहीं है। तो पहले बोन मैरो को एस्पिरेट करेंगे और वापस फिर उस जगह डाल देंगे जहाँ पे फ्रैक्चर जुड़ नहीं रहा। तो काफ़ी बार ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे, रुक जा, निकालो, निकालना हाँ सर। निकालो, इसको डाल के रखो, इसको बंद कर दो, आप बंद कर दो, टाइट कर दो, टाइट कर दो, टाइट कर दो। काफ़ी बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर फ्रैक्चर यूनाइट नहीं होता, फ्रैक्चर जुड़ता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जैसे ओल्ड एज हो गया, स्मोकर पेशेंट हो गया, डिस्टल लेग, ऐसी जगह फ्रैक्चर्स हो गए जो जुड़ नहीं रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये काफ़ी लाभदायक होता है, मदद करता है। अब ये मैरो हम एस्पिरेट करेंगे, पहले निकालेंगे बोन से, एक सिरिंज में उसको ले लेंगे और फिर जो भी फ्रैक्चर साइट है जो जुड़ नहीं रही है उस जगह इस मैरो को इंजेक्ट कर देंगे। इससे जो नॉन यूनाइटिंग बोन है, जो बोन हमें लग रही है हील नहीं हो रही है, वो हील हो जाएगी।